सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। शास्त्र यही तो कहते हैं, उस परम को जान लेने के बाद ये संसार खत्म नहीं हो जाता। हाँ, सारी दुनिया वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ देखने की दृष्टि बदल जाती है। जिन आंखों से तुम संसार को देख रहे हो वो दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ऐसे महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो जाग चुका महापुरुष है, जिसको अनुभव हो गया कि संसार में सर्वत्र आखिर वही तो है। हाँ, सागर से उठा बादल बन कर, बादल से फटा वर्षा बन कर, फिर नहर बनी नदियां गहरी, फिर नहर बनी ए नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। ईश्वर सर्वभूतानां, जब तक ये भाव मन में नहीं आता तब तक संसार और ईश्वर जुदा जुदा दिखाई देते हैं। लेकिन जिसकी दृष्टि में राममय ही जगत हो गया, हाँ, वह तो कहीं भी देखे ब्रह्म ही नजर आते हैं। ऐसा महापुरुष संसार में रह होते हुए भी संसार से निर्लेप होता है, असंग होता है। संग मतलब क्या? संग मतलब आसक्ति। संसार में रह होते हुए भी जो असंग हो जाए, अनासक्त हो जाए। मिट्टी से अणु परमाणु बना, वही ईश्वर ही तो सब बना। हाँ, कहते हैं ना, एकोहम द्वितीयो नास्ति। संसार की सृष्टि से पहले कुछ था ही नहीं, एक ब्रह्म ही तो था। और जब एक ब्रह्म ही था तो जब संसार बना, जब कोई दूसरी चीज थी ही नहीं, भाई कुम्हार हो, मिट्टी है तब तो घड़ा बनाया ना। लेकिन कहते हैं मिट्टी भी नहीं है और कुम्हार को घड़ा बनाना है, तो वही निमित्त कारण भी बना और वही उपादान कारण भी बना। संसार भी वही है, ब्रह्म भी वही है, और बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है, सब कुछ वही तो। ऐसे महापुरुष जो जाग जाते हैं फिर उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं होता, फिर संसार में आसक्ति कैसी। हाँ, मिट्टी से अणु परमाणु बना, मिट्टी पहाड़ बना, पर्वत भी
पर्वत वृक्ष पहाड़ बना, फिर दिव्य जगत का रूप लिया, फिर तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। ऐसा अनुभव जो कर लिया हो महापुरुष, ऐसे महापुरुष के चरण कमल वंदनीय। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।